ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। बस्तर संभाग में बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त। आगामी 24 घंटों के दौरान बस्तर संभाग के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी। प्रदेश में राशन कार्ड नवीनीकरण के लिए आवेदन जमा करने की समय सीमा बढ़ाकर 5 अगस्त की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब लोकवाणी कार्यक्रम के जरिए जनता के सुझावों और सवालों से अवगत होने के साथ ही अपने विचार साझा करेंगे। इसका प्रसारण हर महीने के दूसरे रविवार को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों से किया जाएगा। और प्रदेश के सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों का संपूर्ण डाटा 1 अगस्त से होगा ऑनलाइन। अब समाचार विस्तार से। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के अधिकांश इलाकों में इन दिनों मानसून सक्रिय है। बस्तर संभाग में पिछले 3-4 दिनों से हो रही बारिश के चलते इंद्रावती और शबरी नदी खतरे का निशान पार कर गई है। वहीं शंखनी, डंकनी सहित हिमांचल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। वहीं सुकमा के ओडिशा स्थित मलकानगिरी मार्ग पर आवागमन भी प्रभावित हुआ है। जगदलपुर में बीती रात से हो रही लगातार बारिश के चलते सड़कों और कॉलोनियों में पानी भर गया है। जलभराव के चलते राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे जगदलपुर संवाददाता। उड़ीसा के खातेजुड़ा डैम से पानी छोड़े जाने के कारण इंद्रावती नदी अभी डेंजर जोन से करीब 3.5 मीटर ऊपर बह रही है। नदी किनारे के गांवों में संचालित राहत शिविरों में अभी भी सैकड़ों लोग शरण लिए हुए हैं। वहीं जगदलपुर शहर में भी 3 राहत शिविर किया गया है, जिनमें लगभग 150 लोग शरण लिए हुए हैं। उनके लिए नाश्ता एवं भोजन आदि की व्यवस्था प्रशासन द्वारा कराई जा रही है। प्रशासन इन कैंपों में मेडिकल टीम तैयार की गई। गणपति रिसोर्ट के अंदर बाढ़ में फंसे 45 लोगों को आज नगर सेना के रेस्क्यू टीम द्वारा बाहर निकाल ली। चित्रकूट का रास्ता आज भी नहीं खुल पाया है। आकाशवाणी समाचार के लिए जगदलपुर से मैं संतोष वर्मा। इधर सुकमा जिले में भी भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 2 पर पानी आने से आवागमन प्रभावित है। जिले के हालात के बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सुकमा संवाददाता। लगातार बारिश से सुकमा जिला तरबतर हो चुका है। जिले के कई इलाके बाढ़ प्रभावित हैं, जिनमें राष्ट्रीय राजमार्ग जो छत्तीसगढ़ को सीधे तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से जोड़ता है, उस पे पानी भर गया है, जिसके चलते आवागमन बाधित हो गया है। आज दिनभर प्रशासन पुलिस और सीआरपीएफ के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन कराया गया है। जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां से लोगों को निकाला गया है। कुछ समय में आवागमन बहाल इसलिए भी हो जाएगा क्योंकि सबरी नदी का जल स्तर जो है तेजी से कम होता नजर आ रहा है। सुकमा से आकाशवाणी के लिए विष्णु प्रताप सिंह राठौर। वहीं बीजापुर जिले में इंद्रावती नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है, जिसके चलते जिला प्रशासन ने तिमेर घाट के नाविकों को नदी पार करने से मना किया है। प्रदेश की नवनियुक्त राज्यपाल अनुसुईया उइके से आज राजभवन में सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि वे आदिवासी समाज की भावनाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सभी प्रयास करेंगी। उन्होंने कहा कि माओवादी समस्या के निराकरण के लिए एक कार्यशाला आयोजित की जाए, जिसमें अधिकारियों के अलावा आदिवासी समाज के प्रमुखों को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए। राज्यपाल से मुलाकात करने वाले प्रतिनिधि मंडल में पूर्व सांसद सोहन पोटाई, प्रांतीय अध्यक्ष बीपीएस नेताम, एनएस मंडावी सहित समाज के कई लोग शामिल थे। प्रदेश में राशन कार्ड नवीनीकरण के लिए आवेदन जमा करने की समय सीमा बढ़ाकर 5 अगस्त कर दी गई है। इस संबंध में खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर दिया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार बीते 28 जुलाई तक लगभग 85% राशन कार्डधारियों से राशन कार्ड नवीनीकरण के लिए आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जबकि 15% राशन कार्डधारियों से आवेदन प्राप्त होना बाकी है। इसलिए राशन कार्ड नवीनीकरण के लिए आवेदन जमा करने की तिथि बढ़ाकर 5 अगस्त कर दी गई। गौरतलब है कि यह तिथि पहले 29 जुलाई निर्धारित की गई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब लोकवाणी के जरिए समाज के हर वर्ग की भावनाओं, सवालों और सुझावों से अवगत होंगे, साथ ही अपने विचार भी साझा कर सकेंगे। लोकवाणी कार्यक्रम का प्रसारण हर महीने के दूसरे रविवार को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों से सुबह 10:30 बजे से 10:55 पर किया जाएगा। लोकवाणी के पहले कार्यक्रम का विषय खेती और ग्रामीण विकास रखा गया है, जिसका प्रसारण आगामी 11 अगस्त को किया जाएगा।
इस विषय पर लोग अपनी बात आकाशवाणी रायपुर के फोन नंबर 0771-2430-5010 और 03 पर आगामी 2 अगस्त तक दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच रिकॉर्ड करा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश के सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों का संपूर्ण डाटा 1 अगस्त से ऑनलाइन होगा। इसके लिए राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा कार्मिक संपदा ई कर्मचारी सॉफ्टवेयर बनाया गया है। यह सॉफ्टवेयर वर्ष 2006 में बनाया गया था, लेकिन इसे पूरी तरह सक्रिय नहीं किया गया था। अब इसमें नए फीचर जोड़कर नए सिरे से 1 अगस्त से लागू किया जा रहा है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रदेश में कर्मचारियों की वास्तविक संख्या, देय वेतन भत्ते, मासिक और वार्षिक खर्च के अलावा सेवानिवृत्त होने वाले आधिकारिक कर्मचारियों की वास्तविक जानकारी एक क्लिक में मिल सकेगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग, गोंदिया, कलमना रेलखंडों के बीच आवश्यक कार्य की वजह से 1 से 31 अगस्त तक रेलगाड़ियों का आवागमन प्रभावित रहेगा। इसके अलावा उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण और इंटरलॉकिंग का कार्य किया जा रहा है। इसके कारण 15 से 25 अगस्त तक इस रेलखंड पर भी ट्रेनों का आवागमन प्रभावित रहेगा। आधिकारिक जानकारी के अनुसार 22 अगस्त को बिलासपुर बीकानेर एक्सप्रेस कोटा बीकानेर कोटा के बीच रद्द रहेगी। वहीं 25 अगस्त को बीकानेर पुरी एक्सप्रेस कोटा बीकानेर कोटा के बीच नहीं चलेगी। हरेली त्यौहार के अवसर पर 1 अगस्त को राज्य के सभी जिला जनपद मुख्यालयों और ग्राम पंचायतों में सांस्कृतिक कार्यक्रम और ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिलासपुर जिले में होने वाले कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। जिलों में होने वाले कार्यक्रमों के लिए मुख्य अतिथियों की सूची राज्य शासन द्वारा जारी कर दी गई है। किसानों के सपनों, उम्मीदों और आकांक्षाओं से जुड़े हरेली त्यौहार के अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने शुभकामना संदेश में हरेली को जन जन से जुड़ा त्यौहार बताया है। छत्तीसगढ़ के सबो निवासी मल्ला हरेली त्यौहार के बहुत बहुत बधाई। हमारे छत्तीसगढ़ के कृषि संस्कृति के अनुसार हरेली है पहली त्यौहार आए। गांव गवई की जिंदगी में खेती के स्थान महतारी असन होते। एकरेक खेती सावन के अमावस के ये त्यौहार है जन जन की जिंदगी से जुड़ जाते। हरेली है हमारे धरती माता के हरियाली के संदेश लेके आते और संग में हमारे संस्कृति के संदेश घलो लेके आते। आओ हम अपन परंपरा ला नवा जीवन देबर हरेली ला खूब धूमधाम से मनावन। भाई बहनी और सबो सियान मन से मनहार करत हूँ कि आओ एक नवा शुरुआत करन और हरेली ला नवा पीढ़ी भर छत्तीसगढ़ के संस्कृति के पहचान बनावन। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि 16 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गई है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी विश्वविद्यालय के कुलसचिव और महाविद्यालय के प्राचार्यों को नियमानुसार रिक्त सीटों को भरने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। अब अन्य कुछ खबरें संक्षिप्त में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा कराने की कल 31 जुलाई अंतिम तिथि है। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने आज नई दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। इस अवसर पर प्रदेश भारी पीएल पुनिया भी मौजूद थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बस्तर संभाग में बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त। आगामी 24 घंटों के दौरान बस्तर संभाग के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी। प्रदेश में राशन कार्ड नवीनीकरण के लिए आवेदन जमा करने की समय सीमा बढ़ाकर 5 अगस्त की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब लोकवाणी कार्यक्रम के जरिए जनता के सुझाव और सवालों से अवगत होने के साथ ही अपने विचार साझा करेंगे। इसका प्रसारण हर महीने के दूसरे रविवार को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों से किया जाएगा। और प्रदेश के सभी विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों का संपूर्ण डाटा 1 अगस्त से होगा ऑनलाइन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।